हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल वीकेंड डिटॉक्स। और आज का वीडियो है एक खास जगह के बारे में, बहुत ही रोमांचक जगह है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, जिसके बारे में अब आपको पांडे जी बताएंगे। तो खास जगह कैसे है, क्योंकि इसमें एक जो फैक्ट जुड़ा हुआ है वो सबको शॉक कर देने वाला है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक अनएक्सप्लोर्ड जगह, जो ऑब्वियसली आपने एक्सप्लोर करी होगी अगर आप कानपुर में हो, बट आपको उस बात का या उस फैक्ट के बारे में नहीं पता होगा। तो आज हम लोग जाने वाले हैं सेंटर ऑफ द अर्थ पे। सेंटर ऑफ द अर्थ पे आज हम लोग जाने वाले हैं, देखने वाले हैं कि धरती का सेंटर क्या है और उसके बारे में क्या हिस्ट्री है, क्या फैक्ट्स है और साइंटिफिक फैक्ट्स भी हम लोग बताने वाले हैं उसमें। तो आपको पता लगने वाला है कि हाँ, वो सेंटर ऑफ द अर्थ एक्चुअल में है और उसके आसपास की जगह हम लोग कवर करेंगे। और जैसे कि हम लोग मशहूर हैं कि जिस जगह जाते हैं उस जगह खाने की जगह हम लोग जरूर तय कर देते हैं कि भाई ये अपना पॉइंट है चाय पीने के लिए या मैगी पॉइंट के लिए, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में कवर करके दिखाएंगे। बाकी आपको शायद नहीं पता होगा, इनफैक्ट कई सारे कानपुर के रहने वालों को, लोगों को ही नहीं पता है कि कानपुर में ही है सेंटर ऑफ द अर्थ। हालांकि थोड़ा डिस्प्यूटेड है, लेकिन हम लोग उसके रिलेटेड रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, फैक्ट हैं, वो सब आपको प्रोवाइड करेंगे। तो शुरू करें, चलिए चलो। जो आपको बीच में दिख रहा है ये ब्लैक में ये अष्टधातु, इसमें आठ धातु में मिक्सर होती है, मिक्सअप है इसमें आठ धातु, इसमें आपका सोना भी आ जाएगा, चांदी भी, तांबा, एल्यूमिनियम, ऐसे आठ धातु है। ये अष्टधातु की बना, तो यही खूटी है, यही ब्रह्मा खूटी, इसी को सेंटर ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। पूरी दुनिया का विश्व का केंद्र बिंदु मानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ब्रह्मा जी की तपोभूमि यज्ञ स्थली, उन्होंने बैठ करके यही यज्ञ किया मनुष्य की उत्पत्ति के लिए। यज्ञ होने के उपरांत महाराजा मनु और शत्रुता का जन्म हुआ, जिनसे वही श्रेष्ठ अनेक रूपा। जब ब्रह्मा जी उठ करके चलने लगे तो देवताओं ने आग्रह किया कि महाराज आपने जिस उद्देश्य से बैठ करके यहाँ तप किया, यज्ञ किया, आपका वो यज्ञ तो सफल हुआ, पूर्ण हुआ, आप उठ करके चल भी दिए। आने वाले समय में मानव जब और बढ़ जाएगी मानव जाति, वो पता कैसे करेंगे आपने उनकी उत्पत्ति के लिए बैठ करके यहाँ तप किया। तो उन्होंने अपनी खड़ाओं की कील स्थापित की, खड़ाओं तो पाताल लोग को चल गए, कील ये दूरी बन करके रह गई। देखा होगा साधु संत लकड़ी के खड़ाओं पहन के पाओ, अंगूठे के पास कील से निकली होती, ये उस कील का पूजा। अच्छा, ब्रह्मा कुटी के नाम से इसको हम आप लोग जानते हैं, यही पूरे बिठूर तीर्थ धाम का, यहाँ 52 घाट क्रमानुसार बने हैं। उन 52 घाटों में मुख्य घाट ब्रह्मावर्त, उनमें मुख्य मंदिर ये ब्रह्मा कुटी, इन्हीं के नाम से साल में 42 मेले लगते हैं। दर्शन पूजा पाठ दान धर्म इन्हीं के नाम से होता है, जो आप श्रद्धा से कामना कह के जाते हैं तो पूर्ण पाते हैं, यहाँ की विशेषता है। तो मतलब सृष्टि के निर्माण ही यही से हुआ है जी, सृष्टि के निर्माण का उत्पत्ति का केंद्र बिंदु यही मानते हैं। अच्छा जी, इसमें संक्षेप में हम लोगों ने इसका महत्व लिखा रखा है। हाँ। और इस तीर्थ के नीचे चार महाने के जैसे हम लोगों में चार वेद हैं, चार वेद। हाँ, आपका हाँ। सबसे प्राचीन ऋग्वेद आता है, उसके बाद में यजुर्वेद आता है, उसके बाद में आपका अथर्ववेद, सामवेद, चार वेद, ऐसे छह शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 9 आरण्य हैं। तो 18 पुराणों में एक पुराण तो ब्रह्मा जी के नाम पे, उसमें इसका वर्णन है जो हम लोगों ने ऊपर लिखवा रखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण। और आरण्य का तात्पर्य होता है जहाँ सघन वन, जो इलाका सघन वन जंगलों से भरा हुआ रहा हो। तो इसमें तरफ से देखिए, इस तीर्थ जिसपे आप खड़े हैं ना, इस तीर्थ के चार नाम है, लेकिन इस आधुनिक समय में लोग इसको बिठूर के नाम से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक नाम रहा है। और शेष जो इसमें तीन नाम क्रमानुसार लिखे, ये आपके पौराणिक व आध्यात्मिक नाम है। पहला आपका उत्पलारण्य, सर्व से जैसे 9 आरण्य, उत्पलारण्य, बद्रिकारण्य, चंडिकारण्य, नैमिषारण्य, यदि सीतापुर के आगे गए हो कभी सुना नैमिषारण्य, ऐसे आप बद्रीनाथ धाम गए तो बद्रिकारण्य से 9 आरण्य है, ऐसे उसमें से सर्वश्रेष्ठ अपना ये है बिठूर का, इसका नाम है उत्पलारण्य। जो प्राचीन बुजुर्ग जो व्यक्ति हो तो वो जानते इस तीर्थों के नाम, वो जाने ये, बाकी 9 युवक तो भी नहीं इतना जानते। और दूसरा आपका वृषमतीपुर, तीसरा आपका ब्रह्मावर, चौथा आपका बिठूर, इस तीर्थ के चार नाम, यही बिठूर तीर्थ का मुख्य दर्शन है। ये ब्रह्मा कुटी आप दिखा सकते हैं, ये किसी को पूरे विश्व का केंद्रीय सेंटर ऑफ द अर्थ बोलते हैं, इसको ब्रह्मा कुटी के नाम से लिख क्या। राजस्थान पुष्कर कभी अगर गए हो या सुना हो तो वहाँ ब्रह्मा जी की मूर्ति की पूजा है। हाँ, एक ही मंदिर है, वहाँ पर जो है मूर्ति की पूजा है।
दहशत हो जाएगी। वो मूर्ति की पूजा और बिठूर भी है उनके चरण पादुका के खाओ का किए नहीं, ये हम लोगों ने उसको भी लिखवा रखा है। ध्यान देंगे पुष्कर में प्रतिमा की पूजा और बिठूर में चरण की पूजा, ये हम लोगों ने लिखवा। दुनिया में आप कहीं भी घूम आइए, देखिए आर्टिफिशियल कृत्रिम तौर पर तो मंदिर बहुत से बनाते हैं, लेकिन महत्व हम लोगों का वही होता है जो शास्त्रों में और जो पुराणों में जिसका वर्णन होता आया है, हम लोग तो उसी को मानते हैं। तो पहला वो वहाँ पर मूर्ति और ये दूसरे यहाँ ब्रह्मा कुटी चरणों की पूजा। 16 साल हो गए तो IIT के विद्यार्थी जब यहाँ पे आए तो भाई वो उनकी लाइन ही होती है पूरी वैज्ञानिक की, साइंटिफिक, उनको जो जो उनको जो प्रमाण सामने आना चाहिए जब तब वो मानेंगे उस चीज को। तो जब उनको हमने बताया भाई, मैंने माइक तब भी लगता था, हमने बताया कि आप लोग यहाँ आए तो दर्शन करके जाएं, उनको स्पर्श करें और ये ब्रह्मा कुटी इसको सेंटर आप दिया, तो बोलते हैं तो बोले कि अच्छा पंडित जी, दर्शन किया, भाव से किया सब कुछ, लेकिन बोले पंडित जी इसको हम कैसे माने, आपने कहा कि ये सेंटर ऑफ द अर्थ और ये इतनी बड़ी कील नहीं, इसको बहुत नीचे तक गई हुई है, बहुत गहराई में गई हुई, इसको हम कैसे माने। तो हमने कहा देखिए आपको मानना तो पड़ेगा, चूंकि हम लोग तो शास्त्र को ही मानते आए हैं और इसमें परमिशन सरकार भी नहीं दे सकती कि आप आइए खुदाई करने लगे। बिल्कुल। तो बोले कि अच्छा आप, हम अपना इंस्ट्रूमेंट अगली बार आएंगे तो अपना एक मशीन लाएंगे, वो डिस्क इसकी नापेगी, वाकई जो कील इतनी बड़ी है या बहुत नीचे तक गई हुई है। तो उन्होंने अगली बार आया, सब वैसे फिर सारे ग्रुप के लोग आए और बोले कि पंडित जी आप परमिशन आप दे सकते हैं, हमने कहा बिल्कुल, आप अपना इंस्ट्रूमेंट लगाइए ऊपर से और चेक करिए जो भी आपकी जितनी उसकी पावर सामर्थ्य क्षमता हो जितनी बताने की वो उसकी। उन्होंने अपनी मशीनों से उसको नापा, वाकई जो उसकी सामर्थ्य डेप्थ बताने की क्षमता तो वो भी उसे ओवर हो गई, एवर हो गई बिल्कुल ऊपर जा कर। तो बोले तब वो थोड़ा उन्होंने माना कि पंडित जी हमारी मशीन की सामर्थ्य 4 किलोमीटर की उसके बाद भी हम नहीं बता रही है, तो आपकी बात को मान सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं ऐसा है, तो मान करके वो गया। आपने नाम लिया तो हमको ये घटना याद आई, पूरी रिपोर्ट पड़ी थी सर, वो रिपोर्ट है पूरी। तो ऐसे बस यहीं की विशेषता है। यहाँ पर अब जो है 52 घाट बने हुए हैं, क्योंकि 52 गढ़ के पहले राजाओं का शासन हुआ करता था यहाँ पर। तो अच्छा राजा बड़े ही दुर्गामी सोच के हुआ करते थे कि हम तो फिर जाना तो सबको, हम वो आपको भी सबको जाना है, तो क्यों ना हम एक ऐसी छाप छोड़ करके जाए कि आने वाली पुस्तें जो है उसका इस्तेमाल करें, लाभकारी हो और याद रखें, उस छाप के साथ हमको भी याद रखें, व्यक्ति का बिल्कुल हमारे कल्चर को याद रखें। बिल्कुल। तो वो राजा इतने चालाक हुआ करते थे हमारे कि वो अपने अपने नाम से घाटों का नामकरण करके गए, इतने चालाक कि अगर वो चले गए लेकिन उनके नाम तो चल रहे हैं, जीवित है उनके नाम तो चल रहे हैं। तो ये ऐसे 52 घाट क्रमानुसार बने हुए हैं और ये भी वर्तमान में थोड़ा नमामि गंगे का कार्यक्रम हुआ मोदी सरकार के अंतर्गत, अभी इतना जीर्ण शीर्ण ये घाट पड़े थे कोई देखने सुनने को, घाट तो बहुत है यहाँ लेकिन कोई देखने सुनने उसकी मेंटेनेंस कर रख रखाव रखने वाला कोई नहीं था। तो आज थोड़ा सा सुंदरीकरण काफी कुछ इतना मेंटेनेंस हुआ है, हमारे हिसाब से बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है और निरंतर हो ही रहा है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर ऐसे ही क्रमानुसार आप जाएंगे तो और पत्थरघाट बना हुआ है, तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग त्रिशूल वाला ना, बिल्कुल उसकी भी घटना काफी एक बहुत ही प्रसिद्ध है, वो घटना बताते हैं। वो घटना बताते हैं कि जब 1984 में जब इंदिरा गांधी को उनके जो बॉडीगार्ड ने, हाँ जो उनके बॉडीगार्ड जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने जब उनको गोली मारी है तो जो बुजुर्गों ने देखा है ऐसा, उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया भाई हमारी तो उम्र इतनी नहीं थी कि हम उस समय थे, लेकिन उनसे हमने ये प्राप्त किया। तो उन्होंने बताया कि जिस दिन ये घटना घटी थी दिल्ली में, जिस दिन घटी थी उसी दिन यह तुर्जु अपने आप, ना कोई आंधी आई, ना कोई सुनामी आई गंगा जी में, ना कोई यहाँ पर चक्रवात साइक्लोन आया, कुछ भी नहीं आया, वो वैसे अपना त्रिशूल इतना पत्थर का प्राचीन 500 वर्ष से खड़ा हुआ वो त्रिशूल और अपने आप गिर गया, अपने आप गिर गया था, तब अभी जाकर उसके मेंटेनेंस फिर से लगाया गया है। अच्छा हाँ, ये घटना उसी दिन घटी जिस दिन उनको मारा गया, ये इत्तेफाक है कि अब जो भी आप उसको समझे। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत से, और आप अगर वाल्मीकि आश्रम गए हो, सीता रसोई माँ जानकी जहाँ समा कहीं धरती में, वहीं पर लव कुश, लव और कुश जो भगवान श्री रामचंद्र के पुत्र हुए उनका ही वहीं पर शिक्षा दीक्षा जन्म स्थान वहीं पर स्वर्ग शिवनी वहीं पर बनी हुई है, यही वाल्मीकि आश्रम में आपको मिलेगा। इस तरफ जाएंगे तो राजा उत्तानपाद का यहाँ पर किला बना हुआ है, ध्रुव जी ने, हाँ बिल्कुल ध्रुव टीला यहाँ पर, ऐसे काफी प्राचीन आपको स्थल देखने को मिलेंगे। रामायण यही लिखी गई थी जी, रामायण यही लिखी गई। देखिए हमारे भारतवर्ष का जो भगवान श्री रामचंद्र के जन्म से लेकर के अंत तक का जो उनका अध्यात्म इतिहास रहा है, वो केवल बिठूर का उसमें रोल नहीं, वो आपका चलता है अयोध्या से चलते हुए जनकपुरी नेपाल में जाता है जहाँ महात्मा जानकी थी, वहां से होकर के फिर आपका बनारस प्रयागराज होते हुए सब पूरा जाकर के आपका रामेश्वरम तमिलनाडु, ये पूरा यात्रा का मार्ग रहा है। ये नहीं, यही नहीं कि केवल बिठूर ही नहीं, तो उसके दौरान रास्ते में बिठूर होके यहाँ पर ठहरे, यहाँ पर ऐसा सब हुआ है, तो उसके दौरान बिठूर को ये ऐसा वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी यहीं पे बैठ के, ऐसा बिल्कुल बताते हैं वाल्मीकि जी का कोई बड़ा प्राचीन स्थान, ऐसा जितने यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं उनसे हमको ये प्राप्त हुआ कि महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा यहीं पर रामायण रचित, वाल्मीकि रामायण।
तो गाइज अभी आपने देखा कि हम लोग ने सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कवर किया है यहाँ पे, कि बिठूर पे सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, और पंडित जी ने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। तो ये बात तो हो गई शास्त्रों के अनुसार, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, और इसको साइंटिफिक बैकिंग भी हम लोगों ने दी है, थोड़ा रिसर्च करी थी हम लोगों ने। तो IIT कानपुर की एक रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्यों हम माने कि ये सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पॉइंट पे। जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है कि इस पॉइंट पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पे देखी गई है, और जो निगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज है, आई डोंट नो, मतलब हम लोग को थोड़ा सा आइडिया नहीं रहता है साइंटिफिक टर्म्स का, बट जो निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो अट्रैक्शन है, वो भी बहुत हाई सिग्निफिकेंट वैल्यू पे इस पॉइंट पे नोटिस किया गया है। तो एक IIT कानपुर की रिपोर्ट भी है जो इस चीज़ को बैक करती है, प्लस हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो मनुष्य की रचना हुई, वो जो तब किया, जो मनुष्य की रचना हुई, एडम ईव्स हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, तो उसकी भी स्टार्टिंग यहीं से हुई है बोला जाता है। तो एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो हमने आज आपको इस वीडियो में बताई है, और PDF हम लोग शेयर कर देंगे आपसे, जो डिस्क्रिप्शन में है वो हम PDF डाल देंगे, क्या रिपोर्ट कहती है आप उसको रीड आउट कर सकते हो। और अभी हम लोग चल रहे हैं पत्थर घाट कवर करने, बहुत अच्छा घाट है, शिव जी का मंदिर है, तो देखते हैं। जैसा कि हम लोग ने वादा किया था कि हम लोग खाने पीने का भी दिखाएंगे, तो ये देखिए बेहतरीन चीज़। और कहीं और खाना ना खाएं पांडे जी, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अपनी परंपरा को कायम करते हुए पांडे जी सर लगे हुए अपने हिसाब से रेसिपी बनवाने में। अच्छा बताशे पेल रहे, कितने दबा लिए? अनलिमिटेड नहीं कर सकता है सर। चलिए अब खाने पीने के बाद निकला जाए यहाँ से। तो भाइयों ये था हमारा इस हफ्ते का डिटॉक्स, और बहुत ही मजा आया हम लोग को, बहुत ही यूनिक जगह हम लोग गए थे, और जो पंडित जी ने हम लोग को बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन दिया ना, मजा आ गई। मतलब ऐसी चीजें हम लोग को जानने को मिली जो हम लोग ने सोचा तक नहीं था कि ऐसा भी है। कुछ कुछ हम लोग को आइडिया था कि ऐसा है, बट इतना नहीं पता था। बहुत सारी चीजें थी जो अगर हम लोग वीडियो में शूट करते तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता, बट हम लोग के पर्सनल लेवल पे जो उन्होंने बताई बहुत सारी चीज़ें। तो बिठूर एक्चुअली बहुत एंशंट प्लेस है, जैसे अगर अब हम लोग का आइडिया हो रहा है कि हम लोग आगे और भी कवर कर सकते हैं चीज़ें जैसे उन्होंने बताया। अच्छा हम लोग निकले तो सोचते कि 2-3 घंटे में कवर हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि बिठूर को एक दिन आपको डेडिकेट करना पड़ेगा। अगर आपको पूरा एक्सप्लोर करना है, पूरी उसकी सारी चीज़ें जाननी है लेके अभी तक की, तो आपको लगभग एक दिन तो चाहिए ही है। तो अभी इस वीडियो के लिए आज इतना ही है, और आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक भी करेंगे, और पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड से शेयर भी करेंगे। और जैसे कि हम लोग अपना बताते हैं कि सब्सक्राइब करने के लिए हम आपको कोई ऐसा फोर्स नहीं करेंगे, अगर आपको पसंद आया होगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, और अपने सारे दोस्तों से फैमिली से शेयर करोगे। ऐसी यूनिक और अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।